सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे होंगे, कहीं दिन हमें लगते थे एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज जो है पूरी जम्मू कश्मीर में जो है आज डिजिटल वीक चल रहा है, और इसी सिलसिले में आज पटन की हायर सेकेंडरी में भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पटन ने यहाँ पे डिजिटल वीक जो है ऑर्गेनाइज किया। इस सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए SDM पटन सईद फहीम साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस डिजिटल वीक के हवाले से। सर सबसे पहले कहने से आपका वेलकम सर, थोड़ा सा आज बताइए इस प्रोग्राम के हवाले से डिजिटल वीक और क्या क्या सर सर्विसेज अब ऑनलाइन मिलती है। देखिए डिजिटल वीक के हवाले से ये बात बताऊं कि आपको पता होगा कि दैट जितनी भी सर्विसेज होती थी वो ऑफलाइन मोड में काफ़ी टाइम से चल रही हैं। जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनका बड़ा इसमें दिलचस्पी है कि जो ये सारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए, लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, और जो एक ऑफिसर टू पीपल इंटरफेस है वो रिड्यूस करें। तो आप जब आज डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे डिजिटल भारत है या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी हवाले से बात करें, तो एक उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो हमारी सर्विसेज हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं वो तमाम जो हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए, लोग घर बैठ के अप्लाई करें और अपने ही ईमेल में आ जाएं उनको जितनी भी सर्विसेज हैं। और इससे एक ऐसा फ़ायदा मिला कि जो टाइम लाइन है वो बिल्कुल मीट आउट होती है, एंड इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, बिकॉज जो पोर्टल्स हैं वो हमारे अफसरान भी देख सकते हैं, तो ऐसा पता चल जाता है कि किसकी लेवल पे जो फाइल्स हैं वो रुकी हुई हैं। तो एक इनहेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, टाइम लाइन्स मेट होती हैं, पीपल टू ऑफिसर जो इंटरफेस है वो कम हो जाता है, एंड करप्शन लेवल्स रिड्यूस हो जाती हैं। सो विद ऑल दैट इनटू कंसिडरेशन दिस डिजिटल वीक सेलिब्रेशन हैज़ बीन डन, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब जो है वो हम लोगों ने कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एंड उसको हम लोगों ने कैसे यहाँ पे उस लेवल तक ले गए कि जहाँ पे हम लोगों ने तमाम सर्विसेज जो हैं जो गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करती वो ऑनलाइन हो गई, वो डिजिटाइज हो गई, तो कोई दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लिए लोगों में ये चीज़ पहुँचाने के लिए, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ये डिजिटल वीक यहाँ पे सेलिब्रेट। आपने अवेयरनेस की बात की सर, अभी लोगों में जो है अवेयरनेस कम है, लोगों को अभी इस चीज़ का नहीं मालूम है, अभी भी सर है लोग दफातर का चक्कर काट दे, तो सर लोगों के अवेयरनेस के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए पहली बात मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसे ही जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम लोगों ने आज डिजिटल वीक सेलिब्रेशन किया, 31 से 6 तक ये चल रहा है, तो उस सिलसिले में हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोगों ने पंचायत लेवल तक भी ले लिए हैं। जो हमारे DC मैम की भी हिदायत थी या चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हिदायत दी है कि हम लोग ये पंचायत लेवल पे ऐसे प्रोग्राम करें। हम लोगों ने हर पंचायत में ऑलमोस्ट जो हैं वो CAC सेंटर्स ओपन किए हुए हैं। उससे ये फ़ायदा है कि हर पंचायत में इनहेरेंटली जो है वो CAC सेंटर मौजूद रहेगा, जो कि लोगों को जो है हेल्प करेगा ये डिजिटाइज करने में और ये सर्विसेज अवेल करने में। व्हेन देयर इज़ अ CAC सेंटर, व्हेन दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर हैपनिंग, तब जाके लोगों में एक मास मोबिलिटी भी समझ आ जाती है, लोगों में एक मास मैसेज भी समझ आ जाती है कि अब ऑफलाइन चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही ये सर्विसेज अवेल हो सकती हैं। जो हम लोगों के पास भी अभी ऑफलाइन मोड में आ जाते हैं, हम लोग भी उनको वहाँ पे जो है उनको समझाते हैं कि अब जो है एरा चेंज हो चुका है, अब आप लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करनी है, एंड उनको वहीं पे हम लोग जो हैं उनको समझाते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज का क्या मतलब है, उन कैसे अप्लाई करना है। सर अभी भी जो है कहीं जगह पे कनेक्टिविटी का मसला है या फिर कुछ लोग जो है अभी डिजिटल मोड पे जो है ट्रांसफ़र नहीं हुए, क्या सर उनके लिए अभी भी ऑफलाइन का मोड ऑफलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं, देखिए जो हम लोगों की डायरेक्शंस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द हायर एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऑफलाइन सर्विसेज आर ऑल क्लोज्ड, हम लोग कोई ऑफलाइन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं या कोई सर्विस हम लोग ऑफलाइन नहीं देते हैं, तमाम सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन मोड में है। इवन सेल परचेज जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ ऑल्सो अंडर ऑनलाइन मोड, तो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे ऑफलाइन में नहीं मिलता है। रिगार्डिंग कनेक्टिविटी इश्यूज ऑफ सर्टेन एरियाज ऑलरेडी देयर हैज़ बीन, इसमें मीटिंग्स हो चुकी हैं, इसमें डायरेक्शंस पास ऑन हो चुकी हैं, जिस एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे जो है गवर्नमेंट आर टेकिंग इनिशिएटिव एंड टावर्स आर बींग बिल्ट, ताकि उस एरिया में भी कनेक्टिविटी हो जाए। हमारा ऐसा कोई एरिया है नहीं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पोअर कनेक्टिविटी आप बता सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कनेक्टिविटी है ही नहीं, हर एरिया में हम लोगों को कनेक्टिविटी है, बट पोअर कनेक्टिविटी का इशू एक दो जगह पे आ रहा है। वी आर इन टच विद द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड डेफिनेटली विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी देयर।
थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है SDM पटन सईद फहीम साहब थे, जिनका यही कहना है कि डिजिटली जो है सारी डॉक्यूमेंट्स अब मिलेंगे, अब जो है आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको बस जो है घर पे ही ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है मिल जाएंगे। KNS के लिए पटन बारामूला से मोहसिन खान।